व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अकबर 07। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सीएससी डीजी पे एप्लीकेशन के बारे में। इससे पहले एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये वाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल इसको में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से अभी ये वाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो जितने भी सीएससी के यूजर्स है उनको इसमें एप्लीकेशन में प्रॉब्लम जा रही है, ओटीपी की या फिर और एक्सवाजेड कोर को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जा रही है। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करना है, इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, क्या इसका सही तरीका है, मैं आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अपडेट हुए और बहुत अच्छे अच्छे अपडेट भी आए हैं। बात करें इस एप्लीकेशन की रीडिंग पॉइंट की तो 3.7 है और उसको 10,000 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। अभी ये फिलहाल हाल ही में रिलीज हुआ है 29 मार्च 2023 को और उसी दिन अपडेट भी हुआ है। आगे ये और भी अपडेट होता जाएगा और आपको अच्छे से अच्छी चीजें देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया था ताकि आपको इस एप्लीकेशन को यूज करने में दिक्कत और परेशानी ना हो। जैसे हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर डीजीपे एप्लीकेशन ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपसे वो इंपॉर्टेंट चीजें कहता है। आपको पहले तो यहाँ पे अलाउ एक्सेस लोकेशन ओपन करने का बोलेगा और यहाँ पे एक्सेस, तो हमको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे परमिशन दे देनी है, तो यहाँ पे मैं पहले लोकेशन ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद में सिंपल यहाँ परमिशन दे देता हूँ। तो मैंने लोकेशन को कर दिया ऑन, यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन ऑन हो गई है मेरी डीजीपे एप्लीकेशन के ऊपर और अभी तक इसका लोगो पूरा कंफर्म नहीं हुआ इसलिए इस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर अलाउ करने के बाद में मेरे को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में परमिशन के लिए सारे अलाउ कर देना है और यहाँ पे डालना है आपकी सीएससी आईडी। अब दोस्तों प्रॉब्लम एक ये है कि मेरे पास सीएससी आईडी फिलहाल तो नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं आपको इसकी प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करोगे उसके बाद सीएससी आईडी डालने के बाद में सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, उसके बाद में आप आगे प्रोसेस करते जाओगे तो आपको सीएससी आईडी डालने के बाद में आपसे तीन ऑप्शन मांगेगा। पहला होता है ओटीपी ईमेल, ओटीपी मोबाइल नंबर, और ओटीपी मोबाइल और ईमेल दोनों पे ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में सिलेक्ट करने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपकी सीएससी आईडी बनी हुई थी तो आपका मोबाइल के साथ साथ यहाँ पे आपका नाम भी आ जाएगा। यहाँ पर पूरा पेटीएम के तरीके पेटीएम के जैसे इंटरलुक आया दोस्तों इंटरफेस आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे विद्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कार्ड पिन, वॉलेट, रिचार्ज, यहाँ पर जैसे पेटीएम का आता है दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा पेटीएम के जैसा लुक इसका आ गया है। अब जैसे आप यहाँ पे वॉलेट के ऊपर रिचार्ज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे पेटीएम में हम ऐड करते हैं पैसा, वैसे 500, 200, 1000, 5000 उस तरीके से। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैश विद्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और भी बहुत सारी चीजें, मतलब आप मनी टू मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें अपडेट की गई है जो पहले वाले एप्लीकेशन में नहीं थी। तो दोस्तों आपको कैसे लगा ये एप्लीकेशन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको ओटीपी की प्रॉब्लम जा रही है दोस्तों तो यहाँ पर आप मेल के जरिए भी ओटीपी ले सकते हो या फिर दोनों के जरिए, कोई एक ओटीपी आपके काम में आ जाएगा तो उसी के जरिए आप आसानी से इसमें लॉगिन कर सकते हो। बहरहाल इस वीडियो में इतने दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर करना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको कोई भी एप्लीकेशन की जानकारी हमेशा मिलती रहे।